जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तीन राशियों का राशिफल बताऊंगा। तीन राशि वालों को कौन कौन से महीने में ज़्यादातर पुत्र प्राप्ति के योग रहेंगे, साथ ही धन प्राप्ति के, और कौन कौन से महीने आप ट्राई कर सकते हैं या जिनको गर्भधारण है उनको कौन कौन से महीने में पुत्र प्राप्ति के योग ज़्यादा रहेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि यह सिर्फ नाम के हिसाब से है, नाम के हिसाब से राशिफल बताया जाता है, कुंडली के हिसाब से नहीं। आने वाले समय में इन तीन राशियों को अच्छी खासी सफलता मिलेंगी और इनका जो समय है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है। मंगल, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। शुक्र का हो चुका है, बुध और मंगल, 2 जून को मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो योग है ये बहुत ही प्रभावशाली योग रहने वाला है। तीन राशियां ऐसी हैं जिनके लिए समय आने वाला बहुत ही अनुकूल रहेगा। पहली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जून, जुलाई, आपका अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इन महीनों में पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, या जो विद्यार्थी उनको करियर विद्या क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, हर प्रकार के कार्यों में उनको लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपके बिजनेस में भी तरक्की होगी, नौकरी में भी प्रमोशन के चांसेस रहेंगे और जो लोग बाहर रहते हैं उनका भी करियर बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर, ये महीने बेहद ही शुभ रहने वाले हैं। इन महीनों में ज़्यादातर पुत्र प्राप्ति के चांसेस रहेंगे। आपके जो फैमिली प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानियां थी, सारी परेशानियां दूर होंगी। बहुत ही अच्छा एक प्रकार से आप योग कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि पूजा पाठ की तरफ ध्यान करते रहें, आप अपना कर्म करते रहें, साथ ही अपने इष्ट देव का, भगवान शिव जी की पूजा, सूर्य देव को प्रतिदिन जल देना, ये चीज़ें आप चालू रखें जिससे कोई और परेशानी ना आए। कहते हैं कि ग्रहण की स्थिति कैसी भी हो, अगर इंसान के कर्म अच्छे हों तो ग्रहण की स्थिति भी शुभ हो जाती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो तुला राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों का, घर वालों का सहायता मिलेगी, सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही आपके जीवन संगनी जो लाइफ पार्टनर उनको भी जो है अच्छी खासी ऊंचाइयां, सफलताएं मिलेंगी। अगर वो नौकरी करती हैं, घर परिवार को संभालेंगी, उनका सहयोग भी आपको पूरा पूरा प्राप्त होगा। लव मैरिज के योग भी बनेंगे, साथ ही रोके हुए कार्य भी आपके सभी संपन्न होंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा योग है। तीसरी जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने सारे अच्छे हैं। लेकिन सितंबर, अक्टूबर और 20 नवंबर ये 2.5 महीने आपके मध्यम प्रकार के रहेंगे, क्योंकि इस समय में गुरु जो है नीच राशि के चलेंगे, तो विशेष सावधानी भी आपको बरतनी होगी। लेकिन जो महीने मैंने आपको बताए ये पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बेहद ही शुभ रहने वाले हैं। ग्रहण की स्थिति बदलती है तो उसी प्रकार से योग बनते हैं। तो इन महीनों में जिनके भी गर्भधारण है या जो ट्राई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विशेष करके कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं प्रत्येक वीडियो में आपको जानकारी देता हूं, उन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। उन बातों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी, आपकी सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। तो आप भगवान की तरफ ध्यान रखें और इन महीनों में आप ट्राई कर सकते हैं, इन महीनों में अच्छी खासी सफलता आपको हर क्षेत्र में मिलेंगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।